वहीं पुणे महानगर पालिका ने बकाया आवासीय टैक्स वसूलने के लिए अभय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत लगाए गए शास्ती कर पर 75% की छूट मिलेगी। पुणे वासी इसका लाभ 28 फरवरी के पहले भी ले सकेंगे। बता दें कि इसके पहले भी अभय योजना लागू की जा चुकी है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस योजना का लाभ पार्टियां भी उठाना चाहती है। ये योजना वाणिज्य कर के लिए लागू नहीं होगी। वहीं नांदेड़ जिले के बिलौली तहसील में पुलिस और अनीस कार्यकर्ताओं ने एक पाखंडी बाबा का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान पाखंडी बाबा का भंडाफोड़ किया गया, जहां बाबा का नाम तौफीक बाबा बताया जा रहा है। साथ ही ये बाबा दस्तगीर दरगाह पर बैठकर भक्तों से पैसे लेकर रोगों को ठीक करने का दावा किया करता था। इतना ही नहीं, पाखंडी बाबा ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को परेशान करना भी शुरू कर दिया था। इस बीच महिला के बेटे ने पुलिस की मदद से पाखंडी बाबा का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हमारे पुलिस स्टेशन अंतर्गत कासराली गांव आता है, वहां से हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई। उसके मुताबिक वहां एक दरगाह है, वहां पे एक पाखंडी बाबा तौफीक नाम का तकरारदार है। उसकी माँ के बारे में उसने ऐसे ही उसके भाई बंधुओं में गलत फहमी पैदा कर दी थी कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, इन्होंने कुछ तो भी काला जादू इस तरह से कुछ तो भी किया है। कलम 3 के मुताबिक महाराष्ट्र नरबली और जादू टोना प्रतिबंधक कायदा के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर करके उसको अटक करने की कार्रवाई की है और अभी आगे की तफ्तीश हमारी पुलिस कर रही है। बात करेंगे मुंबई के रायंटी नारकोटिक सेल की। आजाद मैदान यूनिट ने नागपाड़ा इलाके से 2 ट्रक्स पेट्रल्स को गिरफ्तार किया है। पेट्रलर्स के पास से 160 ग्राम एमटी ट्रक से जब्त की गई, जिसकी कीमत 16 लाख बताई जा रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस आगे की जाँच में भी जुट गई है। मुंबई के जुहू इलाके में एक प्राइवेट स्कूल की बस को कुछ अज्ञात लोगों ने पार्किंग में खड़ी एक स्कूली बस को कुछ अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन स्कूली बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर ये भी मिल रही है कि इलाके में कुछ लोग नशे का कारोबार भी करते हैं। वहीं मुंबई के गोरेगांव पूर्व की फिल्म सिटी में पिछले कई साल से चाय नाश्ता कराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक पर एक स्कूटी चोरी करने का आरोप है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसी के चलते उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी को कुरार इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास चोरी की स्कूटी बरामद कर ली गई है। एक शख्स है अंकेश बैस, उसका नाम है, कुरार का रहने वाला है। तो उसने 4 फरवरी को फिल्म सिटी में एक मोटरसाइकिल चोरी किया था। ये मोटरसाइकिल जो है एक पार्किंग में लगाया था, जहाँ कपिल शर्मा का शो होता है, तो वहाँ से उसने ये मोटरसाइकिल चुराया था। और ये जो मोटरसाइकिल चुराने के बाद इसको फिल्म सिटी से बाहर लाने के लिए उसने एक इस तरह का शक्ल किया कि जो ऑडियंस में से एक कोई जो थे, तो उनको उन्होंने चाबी दिया और उसको बोला कि आपको हाईवे तक ये मोटरसाइकिल लेके आप जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल करें। ये पीछे से एक ऑटो रिक्शा लेके गया और उनको वहां से वही ऑटो रिक्शा में बिठा के उनको भेज दिया। और वहीं मुंबई में फर्जी दस्तावेज के आधार पर जरूरतमंद लोगों को बैंक से होम लोन और व्हीकल लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के 2 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर की तलाशी भी ली गई। तलाशी लेने पर काफी मात्रा में फर्जी कागजात भी बरामद किए गए। आगे की जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट कर रही है।
अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां किरीट सोमैया पुणे शहर के महापालिका भवन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनका सत्कार करना था, लेकिन ऐन मौके पर पुणे पुलिस ने सत्कार की इजाजत नहीं दी। बता दें कि जहां पर किरीट सोमैया पर हमला हुआ था, उसी जगह पर बीजेपी उनका सत्कार करने वाली थी। इसी के चलते जब किरीट सोमैया महानगर पालिका भवन पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चाबुक और शॉल देकर उनका सत्कार किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश की। ये जो हमला हुआ था वो बहुत ही प्लानिंग से किया था, वो बहुत ही गलत तरीके से किया था, जिसका समर्थन किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं कर सकता। ये पुणे की संस्कृति नहीं है कि कोई भी राजनेता पुणे में आएगा, कोई भी पुणे का मेहमान होगा तो उसके ऊपर हमला करना, लेकिन फिर भी शिवसेना के लोगों ने ये किया। ऐसा करने से उनको लगता था कि भ्रष्टाचार बाहर निकलने से वो रोक पाएंगे, लेकिन किरीट जी का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, भाजपा का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। ये हमारी जो जंग है वो हमेशा जारी रहेंगी।